राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में नेताओं का दौरे शुरू हो चुके हैं, विभिन्न लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और वन टू वन बात कर रहे हैं। उदयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आलोक जी शर्मा, वह पहुंचे हैं। सर, किस तरह का दौरा रहा है राजस्थान में? कांग्रेस फिर से सरकार रिपीट करने की बात करी, कैसे रिपीट करेंगे इस बार? देखिए, चाहे वो GDP की विकास दर हो, चाहे तमाम योजनाएँ हों, चाहे वो जिस तरह से राहत पैकेजेस रहे हों, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र रहा हो, 4.5 साल का हम रिपोर्ट कार्ड अब रख रहे हैं जनता के बीच में और जनता पूरी तरह से हमें आशीर्वाद दे रही है। BJP की परिवर्तन और जन आक्रोश यात्रा जिस तरह से फेल हो रही हैं, BJP ने भी मान लिया है अब तो कि कांग्रेस सरकार वापस आ रही है। BJP दावा कर रही है कि उनकी परिवर्तन यात्रा में जो हज़ारों लोग भीड़ रहे हैं वो कहीं के परिवर्तन करेंगे। देखिए, अगर हज़ारों लोग जुड़ रहे होते तो BJP चिंतित ही नहीं होती। अभी तो हमने कहीं सूरतगढ़ में वहाँ गंगानगर के पास नया जिला बना है, वहाँ देखा कि 12 कैंडिडेट थे, 1200 लोग नहीं इकट्ठे हुए और झुंझला कर जो केंद्रीय सांसद थे एक, वो झुंझला कर चले गए। BJP ने तो अंदर खाने मान लिया है कि वो हार रहे हैं। BJP कह रही है कि जिस तरह से राजस्थान में महिलाओं अत्याचार, पेपर लीक पर वो सब मुद्दों को लेकर चल रही है, तो कांग्रेस उस पर क्या कर रही है? अगर BJP के सांसद और BJP के लोग NCRB के आंकड़ों को पढ़ेंगे तो राजस्थान को बदनाम करना छोड़ देंगे। राजस्थान की सरकार ने इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए त्वरित एक्शन लिए हैं, लेकिन BJP बताए कि UP, मध्य प्रदेश, हरियाणा, वहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार की क्या स्थिति है। हम यहाँ पर तुरंत सजा दिलाने का काम करते हैं, तुरंत आरोपी को अरेस्ट करते हैं और वो बताएं कि जो ABVP के जोधपुर में जो इनके कार्यकर्ता पकड़े गए थे, क्या उनको पता चल गया कि वो ABVP के ही थे? जहाँ जहाँ क्राइम होता है वहाँ वहाँ BJP इन्वॉल्व, BJP के लोग इन्वॉल्व मिलते हैं। DRDO से लेकर RRSS के लोग पाकिस्तान तक को सूचना देते पकड़े जाते हैं। BJP को अब कोई नैतिक अधिकार नहीं है राजस्थान को बदनाम करने का। राजस्थान में BJP कांग्रेस के साथ अब आम आदमी पार्टी भी सभाएं कर रही है, RLP भी सभाएं कर रही है, तो कोई असर देखने को मिलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र है, सबको सभाएं करने का अधिकार है। असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वोट देंगे कि नहीं देंगे, जनता तय करेगी। हमने काम किया है, हम काम के आधार पर सकारात्मक रूप में हम जाएंगे और पूरी तरह से जनता हमारे आशीर्वाद देगी। केंद्र वन नेशन वन इलेक्शन के लोग दावे कर रही है, उनको लाने का प्रयास करिए, क्या लगता है? हमें तो अभी तक कहीं आधिकारिक तौर पर तो नहीं मिला, लेकिन अगर ऐसा उनके मन में है कि वन इलेक्शन वन नेशन करने से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, तो 9.5 साल तक उस सरकार के पकौड़े चल रही थी, क्यों नहीं किया पहले से? शगुफे छोड़ना, हेडलाइंस बनाना BJP का काम है। जो भी बिल आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। एक नेता का बयान आया था सनातन को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी धर्म निरपेक्षता में पूरी तरह से विश्वास करती है और हम मानते हैं कि इस तरह के किसी भी बयान का समाज में कोई स्थान नहीं है। ऐसे बयानों से किसी भी नेता को बचना चाहिए। हम सभी धर्मों को बराबर दृष्टिकोण से देखते हैं। मेवाड़ वागड़ की बात करें तो यहाँ पर जो 28 सीटें हैं उनमें से एक नई पार्टी और बन चुकी है, उस पर अब कांग्रेस किस तरह अपनी दम दिखाई? मैंने कहा कि किसी को भी पार्टी बनाने का, वोट मांगने का अधिकार है। निर्दलीय कैंडिडेट भी आएंगे, तय जनता करेगी। और इस बार तो राजस्थान में चुनाव से पहले ऐसा लग रहा है कि जनता ने तय कर लिया है, गहलोत सरकार वापस आ रही है। तो ये थे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक जी शर्मा, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। TV9 के लिए राजेश डांगी।